For a आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तो रेडियो खुशी 90.4 FM ते तुहाडा स्वागत मैं हाँ तुहाडा डिवाइन ते दिलदार आरजे गुरवेल सिंह ते दोस्तो इस वेले मैं आ गया तुहाडे को लेके प्रोग्राम GNFC दे जिम्स ए प्रोग्राम असी GNFC दे स्टूडेंट्स दे वास्ते शुरू कीता है ते इस प्रोग्राम दे विच असी जो GNFC दे साडे ओल्ड स्टूडेंट्स दे जो GNFC तो पढ़े और पढ़ के बुलंदियां ते पहुंचे अज असी उन्हां स्टूडेंट्स दे नाल गल करनी है क्योंकि साडा जो गुरु नानक 5th सेंटरी स्कूल है इस दा परिवार बहुत वड्डा है और इस परिवार दे विच जेड़ा वा ओ बड़े होनहार बच्चे साडे कोलों इत्थों पढ़ के गुरु नानक 5th सेंटरी स्कूल तो जांदे है ते अज मैं तुहानू मिला रहा है एक ऐसे ही साडे होनहार हीरे स्टूडेंट्स नू और असी उहदे नाल जो गलबात है ओ सारी गलबात दोस्तों अज दे प्रोग्राम विच हिंदी च करांगे ते विनय जी सत श्री अकाल जी की हाल चाल है विनय जी GNFC तो सब तो पहले ते आपका रेडियो खुशी 90.4 FM पे स्वागत जी तो थैंक यू विनय जी सबसे पहले तो एक छोटा सा बच्चा जो कि आज विनय गुप्ता डायरेक्टर बन गया होया आरुष मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड दा इन्नी वड्डी तुसी पोस्ट ते पहुंचे हो पर असी तुहाडे नाल जो अज दी गल्लां दी शुरुआत है वो करनी है तुहाडे बचपन तो कैसे ये शुरुआत हुई क्योंकि अपना जो प्रोग्राम है वो GNFC स्कूल से रिलेटेड है कि आप गुरु नानक 5th सेंटरी स्कूल में आए यहाँ से बहुत कुछ सीखा तो कैसे ये शुरुआत हुई सारी सर मुझे याद है कि 8 मार्च 1999 में मैं GNFC में मैंने पहली बार कदम रखा था जी विंसेंट हिल में पर्टिकुलरली क्योंकि जो एंट्रेंस हुआ था वो जनवरी 1999 में शंग्रीला में हुआ था जी तो तब तक ये था कि थोड़ा सा अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया जाए तो पापा ने सोचा कि एक बार 8th क्लास में जाके जरा मतलब वहां पे बोर्डिंग में डालते हैं जी, तो जी। मैं 1999 में क्लास 8 में वहां पे एंटर किया था विंसेंट हिल GNFC में और 2004 तक मैं 12th वहां से पास आउट करी थी जी बट मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी लाइफ का मैं 34 साल का पूरा हो गया हूँ मुझे नहीं लगता शायद मेरी लाइफ का मेरी शादी के बाद कोई गोल्डन पीरियड रहा होगा तो GNFC मतलब के जो है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो गोल्डन पीरियड है रियली इसको भूल पाना बहुत मुश्किल है तो एक आपने जो GNFC में आके नए नए एक्सपीरियंस किए होंगे क्योंकि जब आप देहरादून में रहते थे तो तब तो एक छोटा सा फील्ड था परंतु यहाँ पे आके कोई आपका दोस्त अमृतसर का बना होगा क्योंकि आज भी मुझे याद है आपके साथ जैसे मनप्रीत गांधी होता था और अंकित गुप्ता होते थे वो सारे दोस्त आपके साथ होते थे वो सारी के सारे ये कैसे एडजस्ट हुए ए जो इतनी बड़ी फैमिली थी उसके साथ आपका जो लिंक बने उन सभी के बारे में थोड़ा बताइए सर हमें याद है हमें ना डॉमेट्री ना तीन तीन चार चार लोगों को अलॉट की जाती थी 10th क्लास में तो पर उससे पहले जो चार्म हुआ करता था ना एक के ऊपर एक बेड के ऊपर सोने का हाँ हाँ। वो आज हम लोग बहुत मिस आउट करते हैं और जी जी मतलब लिटरली आज भी अगर हम लोगों को कुछ अच्छी चीज याद करनी होती ना तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 8th क्लास में कैसे वो एक्सपीरियंस थे कैसे हम लोग लंच मतलब हम लोग रोटियां जेब में डाल के लाया करते थे अपने हॉस्टल के बोर्डिंग हाउस में और कैसे हम जल्दी जल्दी उठा करते थे मुझे याद है आज भी वो शब्द हर्जियो वाला शब्द था वो हमारा मॉर्निंग अलार्म हुआ करता था तो और लगभग लगा दीजिए मतलब एक जो टाइम रूटीन था ना वहाँ पे आज भी हम लोग कहीं पे स्ट्रेसफुल फील करते हैं या हमारी लाइफ डिरेल हो जाती है तो आज मुझे याद है वो 6 बजे वाला जो रूटीन है और आपके 10 बजे लाइट ऑफ का जो रूटीन है अगर मैं आज भी उसे अपना लेता हूँ तो मेरी जो लाइफ की जो डिरेल हुआ करती है वो स्पीड सुपर एक्सप्रेस हो जाती है आज भी बिल्कुल जी बिल्कुल ये जो आपने बताया बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हम सीखते हैं ना वो ऐसे ही सीखा जाता है क्योंकि एक वो पीरियड जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बहुत आगे जा सकते हैं वो इसी तरीके से चलता है तो सबसे पहले इसका जो एनवायरनमेंट था GNFC के स्कूल का वो एनवायरनमेंट के बारे में आप बताइए कैसा आपको इसको
how we can say ke this is the best school in the not in India in the world for you? सर दो तरह के एनवायरनमेंट है. पहला मैं बात करता हूँ प्राकृतिक एनवायरनमेंट का. इस हिसाब से हम लोग रोड से नीचे उतर के रहते हैं ना जीएनएफसी के 45 एकड़ के जो उस कैंपस में जो हमारी मॉर्निंग से अपने डॉर्मेटरी से स्टार्ट होके और पूरा अपना गुरुद्वारा साहिब से लेकर और जो ब्रेकफास्ट की टेबल के सामने जो लाइन लगाने वाला सीन होता था जो अप एंड डाउन था ना जी 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 जो सुबह का माहौल था क्योंकि कहीं पे भी ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं है. चारों तरफ लश ग्रीन पहाड़ियां हैं और चारों तरफ कहीं पे भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई ऐसा कारखाना नहीं है जिससे आपका पॉल्यूशन हो रहा हो. जी. तो वो चीज. दूसरी चीज, जब आपकी आंख नहीं खुलती है बोर्डिंग हाउस में पर आप सुबह उठ के चल के चढ़ाई में चढ़ के आते हो तो आप जब क्लास में पहुंचते ना आप बिल्कुल अटेंटिव पोजीशन में पहुंच जाते हो. उस अटेंटिवनेस ने मुझे काफी चीजें दी हैं. मुझे आज पंजाबी अगर पढ़नी आती है तो मैं एक एज समझता हूँ अपने दोस्तों के ऊपर. क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें जगजी साहिब भी आज कंठस्थ है तो हैराज साहिब भी हमें कंठस्थ है और वो हमने पहले हिंदी से ही स्टार्ट करी थी उसके बाद हम लोगों ने पंजाबी में गुटके उठाए. तो आप हमें ये पता है कि पंजाबी में कौन सा अक्षर लिखा जाता है और हिंदी का वो कौन सा अक्षर रहता है. बिल्कुल, तो कई बार हम जैसे मैं अगर आज ऑडिट के लिए जाता हूँ मुझे कई बार पंजाबी में कोई लेटर पढ़ना होता है तो मेरे पास ये रहता है सामने वाला मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता है पंजाबी किसको नहीं आता है. मैंने मतलब वहाँ पे कई सारी चीजें सीखी चाहे वो डिबेट्स हो चाहे वो मैं आज तक भी स्टेट लेवल स्टैंप एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया. क्यों? क्योंकि उस समय चिट्ठियों का माहौल हुआ करता था. हमारे कई दोस्त भी चिट्ठी आई कर रही थी. हमें याद है हम रात को 9 बजे डॉमेट्री में जाया करते थे प्रेप के बाद यार तेरी इंग्लैंड से या कैनेडा या थाईलैंड से चिट्ठी आई है पर तूने चिट्ठी तो पढ़ ली होगी या मुझे उस स्टैंप दे रही. आज मेरे देहरादून में या उत्तराखंड में एक ऐसा मुकाम बना है मैं एज अ स्टैम्प कलेक्टर नेशनल लेवल पे जाना चाहता हूँ. सिर्फ जीएनएफसी के कारण ही हो पाया है. बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया आपने बताया. सेकंडली मैं एक और भी चीज आपसे पूछनी चाहूंगा कि इस जगह पे जो दोस्तों के साथ फन होता था आप उन सभी दोस्तों का जिक्र भी जरूर करें क्योंकि जीएनएफसी से जब पढ़ के जाता है ना एक बच्चा तो उसके बाद वो अपने दोस्तों को क्योंकि एक बहुत बड़ी फैमिली होती है और बहुत गहरे रिलेशन हो जाते हैं टीचर्स के और बच्चों के क्योंकि इस जगह पे ये नहीं होता कि टीचर टीचर है बच्चे बच्चे हैं. यहाँ पे एक हमारे जो रिलेशन है वो फैमिली रिलेशन बन जाते हैं सभी के साथ और फॉर एवर बन जाते हैं लंबी लाइफ में. तो वो जो आपके रिलेशन ऐसे हैं जिनमें आपके वो दोस्त जिनको आज भी मिस करते हो या वो टीचर जिनको आप मिस करते हो. सर मैंने इसे थोड़ा सा ना टर्न वे में लेके जाता हूँ. सर जब हमारे माँ बाप हमें लेने आते थे ना वहाँ पे तो हम उस समय हमारे होते थे 2 माँ बाप जी मम्मी और पापा जो हमारे जन्म दाता है. जब हम स्कूल छोड़ के जाते हैं ना तो जितने टीचर्स क्लास 8 से लेकर 12 तक जिन्होंने हमें पढ़ाया होता है वो सारे हमारे मम्मी पापा हम उनको ऐसे दर्जा देते हैं और फील भी करते हैं. हमारे पास कई सारी मैम थी. हमारे पास संजू मैडम है, इंदिरा वॉकंडी मैम है. आपसे मैंने सारी जितनी भी पंजाबी और सिखिज्म है मैंने शायद एक अक्षर भी अगर मुझे आता होगा तो मैंने आपसे सीखा है. बिल्कुल. और रविंद्र मैम हो गए, हरिंदर सर हो गए, तिवारी सर हो गए और सीपी रेड्डी मैम हो गई, नीरज भट्टागर सर हैं, गोयल सर हैं. सर मतलब आज भी कहीं उमेश चंद सर हैं, कहीं भी हमें मिलते हैं. एक आर के शर्मा, स्वर्गीय आर के शर्मा जी थे. तो ये टीचर एक ऐसे थे सर की मतलब आज हमें कहीं दिख जाते हैं ना तो हमें एक ना एक गर्माहट आ जाती है हमारे अंदर की एक रिश्तों में जो गर्माहट होती है ना वो फील होती है. बिल्कुल. हाँ मैं कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ आज. तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. और इसके बाद मैं अब आगे चलता हूँ विनय जी. अब मैं चलता हूँ कि जब जीएनएफसी से आप निकल कर आए और आपने कॉलेज लाइफ ज्वाइन की और वो कॉलेज लाइफ में आपके जो ड्रीम आपकी जो आगे की लाइफ रही वो कैसी रही. कॉलेज के बाद की लाइफ की भी हम बात करें क्योंकि वो एक लाइफ ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स के टीचर्स के कंट्रोल से हम निकल के अपनी दुनिया में जाते हैं. वो अपनी दुनिया में जाके आपने कैसे उसको मैनेज किया, क्या किया, कैसे किया, उसकी भी बात करें. सर मैंने तो ग्रेजुएशन जो करी थी
वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, बट मैंने ओपन लर्निंग से ही वो करी थी, बट मैं था दिल्ली में ही, चाहे वो कोचिंग वगैरह की बात हो, तो एज सच मेरी कोई कॉलेज लाइफ नहीं हुई। शायद मुझे इस बात का डर था कि रैगिंग होती है, तो मेरी एज सच कोई कॉलेज लाइफ नहीं है। मैं जो हूँ आज भी जीएनएफसी के बदौलत में हूँ, आज जो मतलब मैं जीएनएफसी से निकला हूँ और अपने पैरों में स्टैंड हुआ हूँ, मेरी कोई ऐसा कॉलेज लाइफ नहीं है। ठीक है, और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर दोस्तों आप बने हुए हैं अपने डिवाइन और दिलदार आरजी गुरवेल सिंह के साथ, और हमारी बात चल रही है आज के प्रोग्राम में विनय गुप्ता जी से, जो डायरेक्टर हैं श्रूड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड देहरादून में, और इनके जो जीवन के बारे में जान रहे हैं, और गुरु नानक फिफ्थ सेंचुरी स्कूल मसूरी के ये स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने गुरु नानक फिफ्थ सेंचुरी स्कूल मसूरी से जैसे पढ़ा वो सब तो हमने जान लिया। तो विनय जी, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। आपने जो फील्ड चुना सीए का, एक कैसे सीए का फील्ड चुना, क्योंकि आज के जमाने में इसमें तो कोई शक नहीं कि जो सीए का होती है जॉब, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो पास हो पाते हैं, और एक मुश्किल टफ फील्ड है। वैसे तो ये बात है कि जो इंसान वो ही होता है जो टफ काम करे, आसान काम तो सभी करते हैं, पर टफ करने वालों को ही बहादुर कहा जाता है। ये बहादुरी पर या कारनामा इसको मैं कहूंगा, और इसमें कैसे चले आप? सर एक्चुअली ना मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। एक्चुअली मैं हिंदी में काफी अच्छा था जीएनएफसी में भी, तो एक मैडम करबंदा हुआ करती थी, मैं 8th क्लास में था, तो मेरा हिंदी का पेपर हुआ जब फाइनल, तो वो मेरे पेपर में वो डॉट बिंदु की भी वो मिस्टेक नहीं निकाल पाई। ऐसे ही डॉक्टर आर के शर्मा थे, वो भी मेरे पेपर में डॉट थे बिंदु की भी मतलब नहीं निकाल पाई मिस्टेक। तो मुझे लगा शायद हिंदी ही मेरा एक सबसे पावरफुल हथियार है। फिर मैं हिंदी डिबेट में भी था, मुझे स्कूल कलर भी मिला हिंदी का जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं न्यूज चैनल में जाऊंगा, मेरा सपना था। बट क्योंकि मेरी अग्रेसिव राइटिंग थी, तो शायद मुझे या मतलब मेरे फादर को या मेरे घर वालों को ऐसा लगता था कि दिस इज नॉट द सेफेस्ट लाइन, क्योंकि उस समय में शायद पॉलिटिकल जो डेथ हो रही थी इस फील्ड में वो बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उन्होंने मुझे जाने के लिए अलाउ नहीं किया जी। क्योंकि मैं कॉमर्स लाइन में था, मेरे नंबर भी अच्छे थे, तो मतलब मेरे फादर ने कहा कि भैया मतलब सीए में आप जाइए। तो मैं सीए में अटेम्प्ट दिए, तो शुरू में तो मैं सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि मेरा दिल नहीं था जी, और जहाँ पे दिल और दिमाग नहीं हो उसका कॉम्बिनेशन ना हो तो शायद वहाँ पे चीजें सब नहीं हो पाती। फिर मुझे लगा कि शायद वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, फिर मैंने एंट्रेंस उसको क्लियर किया 2007 में। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग में आ गया देहरादून में ही दिल्ली। तो मैंने 2012 के आसपास तक ट्रेनिंग करी राजपुर रोड पे। उसके बाद मुझे लगा कि शायद पैसा भी अच्छा है, तो उस समय मैं अभी भी मेरा सीए फाइनल अभी रहता है, मैंने काफी सालों से उसे दिया नहीं है, पर सीए इंटर मेरा 2012 में क्लियर हो चुका था। तो मुझे लगा कि शायद ट्रेनिंग होने के बाद और एक सेमी क्वालिफाइड सीए होने तक तो आप एक कुछ एक अचीव कर चुके हैं। तो हम लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी, फिर मेरे तीन दोस्तों के साथ हम लोगों की पार्टनरशिप हुई, जिसमें सीए दीपक सिंह रावत जी हैं, एडवोकेट आनंद साहू जी हैं और आशीष उनियाल जी हैं। तो हम चारों ने फिर एक फर्म एस्टैब्लिश करी जो की श्रूट मैनेजमेंट सर्विसेज थी, जो एक पार्टनरशिप फर्म थी, एक बहुत छोटे से ऑफिस में, ऑफिस से बिंदाल ब्रिज से वो रन करना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों ने 2015 में नेहरू कॉलोनी में शिफ्ट किया, तो वहां से हम लोगों ने उसे, फिर हम लोग सब डायरेक्टर बने उस पार्टनरशिप फर्म को, हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया, इसे शूट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया जी। और आज हम लोग एक इंडिया का स्टार्टअप चला रहे हैं जो काफी सक्सेसफुल है, जिसका नाम है शूट फाइलिंग। हमारे देहरादून ऋषिकेश में कम से कम 200 सेंटर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और बाकी हम, मुझे लगता है कि शायद भगवान ने हम लोगों को चुना है, उन लोगों को भी आज कोविड के इस भयानक दौर में भी हम उनके माध्यम से भी काम खुद भी अर्न कर रहे हैं, और शायद उन 200 परिवारों को भी कुछ ना कुछ रोजगार दे पा रहे हैं। क्योंकि ये तो बढ़िया है ना, क्योंकि खास करके जो सीए का काम है इसमें तो मेरे ख्याल में कभी गिरावट आगे आने की जो है पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए कंपल्सरी है, मजबूरी बस,
क्योंकि जहाँ डॉक्टर के पास जाना जहाँ सीए के पास जाना, इससे ऑप्शन नहीं कोई मिलने वाली, और बहुत अच्छी बात है। और मैं जहाँ पे ये भी आपको थोड़ा सा एक सजेशन उन नौजवानों के लिए जो सीए का काम तो शुरू कर देते हैं परंतु फिर वो बीच में छोड़ जाते हैं, जिससे उनका काफी समय जो गैप होता है ना, जो गोल्डन पीरियड होता है, वो सारा खराब हो जाता है, फिर दोबारा किसी और काम में जाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर ना अपने आप से अपनी आपकी एक एंटीबॉडी होनी चाहिए जो आपकी नेगेटिविटी को खत्म करे। आप सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे नेगेटिविटी सुनते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। आप सोचिए, जब आपने जिस एंथुजियाज्म से स्टार्ट किया था, या कोई भी कार्य किसी एंथुजियाज्म से स्टार्ट किया था, क्या वही एंथुजियाज्म तब तक है आपके अंदर तब तक भी है जब आप वो छोड़ने के और चले हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव लोगों को सुन रहे हैं। जब आपने किसी चीज को चुना है और आपके अंदर वो फील्ड में उस समय उतना उत्साह था, तो आप नेगेटिव लोगों के पास क्यों गए? वो सेम अपने ऊपर जो आपका विश्वास था उसको कायम करके रखिए। ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं हो पाती है? इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ। या तो मेहनत में कमी है, या फिर नेगेटिव लोगों को सुन रहे हैं। दूसरी तीसरी तो कोई चीज आती नहीं। तीसरा यही है कि आप करना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि पानी तो तभी उबलेगा जब 100 डिग्री पे पहुंचेगा, पहले तो नहीं उबलता। और जेकर उसको हम चाहते हैं कि हमारा पानी भाप बने, तो उसको 100 डिग्री तक पहुंचना पड़ेगा। और जेकर हम किसी से नेगेटिव थॉट्स लेंगे, तो हम कभी भी जिंदगी में जो लोगों की सुनने वाले हैं वो सफल नहीं होते। सफल वो ही होते हैं जो अपनी सुनते हैं। तो फिर विनय जी, मैं इस पे आता हूँ कि आप तो इस फील्ड में पड़े हुए हैं, हमें तो ऐसे लगता है, वैसे तो दूसरों की थाली का आम मीठा लगता है, परंतु आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जे सीए का आगे आने वाले समय में जो फ्यूचर है वो क्या है, जो सीए बन जाता है? सर, ऐसा समझिए, जिस हिसाब से कॉम्बेट है ना, हमें दो चीजें सिखाई है। पहली चीज सिखाया आत्मनिर्भर जी। हम लोग सब सोचते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, आप इसी के अंदर ही चीज को, अपने सामान को खपा लीजिए। 130 करोड़ की जनता है। अब 130 करोड़ की जनता के लिए अगर आपका टर्नओवर ज्यादा होगा, जो टर्नओवर ज्यादा होगा तो अकाउंटेंट भी ज्यादा होंगे। अब अकाउंटेंट के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहिए। और जहां तक मोदी जी का नोटबंदी का सवाल था, जीएसटी का सवाल था, और तीसरी चीज मेक इन इंडिया है, इन तीनों के बेसिस में तो 2021 से अप्रैल जो 2021 आएगा, आप उसे देखते रहिए कि आने वाले समय में यहीं पे जॉब्स पैदा होनी है, क्योंकि खपत भी यहीं पे होनी है। बोलते ना, आप एक दूसरे का सहयोग करते देखिए, दोनों पनप जाते हैं। तो हम इंडिया के लिए ही लोगों के लिए, इंडिया वाले लोग इंडिया का ही सामान यूज करें, और इंडिया वाले लोग इंडिया वालों के लिए सामान बनाएं। जी, खपत भी होगी, जॉब भी जनरेशन होगी, और जो उन्होंने अभी तक के कार्य दो अपने कार्यकाल में किए थे, उनका कोई प्रभाव आपको 2021 में आते हुए दिखेगा। जी जी, तो देखिए दूसरी चीज की कितनी डिमांड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने ही देश को जेकर सक्षम बनाना है, हम ये चाहते हैं कि हमें कनाडा अमेरिका में जाकर मजदूरी ना करनी पड़े, तो हम अपने ही देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें कि इसी जगह पे हम सारे काम कर सकें।